हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मजे में होंगे। फिर आपने देख लिया होगा कि किस तरह मैंने जो है ये इफेक्ट दिए हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रो एंड श्रिंक सर्किल। एंड देन सेकंड जो पार्ट होगा वो होगा जूम का, कि आपने स्लाइड जूम किस तरह करनी है। तो चलते हैं हम अपने पावर पॉइंट की तरफ, एंड तक देखें। अगर आप कोई पार्ट मिस कर देंगे तो आप इस तरह की स्लाइड नहीं बना पाएंगे। आप पूरा वीडियो देखें, फिर आपको जो है समझ में आएगा कि किस तरह मैं बना रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर पुराने हैं तो भी आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो किस तरह लगा हो। लाइक करें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो से। तो फर्स्ट हमने ब्लैंक पेज लिया हुआ है पावर पॉइंट का, और इस पे जो है मैं फॉर्मेटिंग करूंगा थोड़ी सी, फॉर्म बैकग्राउंड में जाके पिक्चर में, और यहाँ से इंसर्ट करूंगा वही पिक्चर, मगर वो सही नहीं आ रही थी। तो ये पिक्चर, इस पे हम काम करेंगे, और इस पे काम हमने स्टार्ट कर देना है होम से। और यहाँ से हम लेंगे एक रेक्टेंगल, और यहाँ से इसको हम ड्रॉ करेंगे इस तरह करके ऐसे। नाउ इसमें नो शेप आउटलाइन, इसका कलर जो है वो हम जो है ग्रेडियंट में जाके, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह मैंने लिया है। मगर मुझे ये वाला पार्ट इधर चाहिए, वो वाला पार्ट इधर चाहिए, इस तरह से, ठीक है। सो एक में मैंने ब्लैक लिया है, ठीक है, ये वाला, और एक में मैंने जो क्या किया है इसी बैकग्राउंड का आईड्रॉपर लेके मैंने यहाँ से कलर लिया, ठीक है। ये यहाँ से नहीं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किसी लाइट जगह से यहाँ से उठाया था इस तरह करके, और इसको फिर मैंने दी है ट्रांसपेरेंसी ऐसे, और इसको भी मैंने दी है ट्रांसपेरेंसी इस तरह से ऐसे करके, और इसको कंट्रोल डी करके आप यहाँ ले आए, और इसको आपने करना है रोटेट वर्टिकल और नहीं इस तरह से, ठीक है। दोनों साइडें इक्वल हो गई है हमारी। अब जो है आपको मैं बता दूं कि ये मटेरियल मैंने रखा है जस्ट फॉर स्लाइड जूम का। ये ऑलरेडी मैं इन पे वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखें, आपको इन सब पे वीडियोस मिल जाएंगे। सिर्फ इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया, अगर आपको ये बाद में पसंद आता है तो फिर इसका भी मैं वीडियो बना के आपको सिखा दूंगा कि किस तरह मैंने बनाए हैं ये कंटेनर फिल, इसको बोलते हैं हम। तो पहले ही मैंने ये तैयारी करके रखी हुई है कि कौन से शेप्स, कौन से आइकॉन्स वगैरह मैंने यूज़ करने हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम ज़्यादा मैं आपका टाइम कंज्यूम ना करूं। तो इनको हम लेके चलते हैं वहां पे कंट्रोल सी ऑल करके, कंट्रोल सी, और यहां पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आइकॉन्स कहाँ से होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंसर्ट में जाके यहाँ से आइकॉन्स जो है वो आप डाल सकते हैं। और बाकी जो आपने देखा कि मैंने उसको सर्कल दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ से उठाया है, ये वाला उठा लिया, ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है, और ये आ गया यहाँ पे। और आपने अगर इसको सर्कल में उठाना है तो आपने क्या करना है, होम में जाके यहाँ से शेप में से सर्कल उठा लें एक ऐसे, और इसके ऊपर रख दें, तो इसको कर दें आप सेंड बैक, और सर्कल का आपने करना है नो फिल। तो आप देखें किस तरह से जो है ये बन गया है। मैंने भी इसी तरह से ये बनाए हैं सारे वन बाय वन, तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं ऐसे ही। इसका भी आप कलर दे दें वाइट, और ये आउटलाइन का भी दे दें आप आउटलाइन, इतनी सर्कल जो है छोटा है, क्लिक पे नहीं आ रहा, ठीक है। सो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ताकि जो है हम स्टार्ट करें अपने वीडियो को, वीडियो पे काम करें। चलिए ये सेंड बैक कर दे, तो फिर ये आएगा, यस, ओके। सो ये भी मैंने शेप इसी तरह यहाँ से बनाया है, इस तरह आप इसको ड्रॉ कर दें और यहाँ से दें, इसको आपने ग्रेडियंट देना है। और मैंने ब्लैक और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन रखा है, ये ब्लैक है और ये ग्रे है, ये आपको दिख रहा होगा। और इसको मैंने लीनियर में ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। सो आप ये भी बना सकते हैं, तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इनको हमने देनी है थोड़ी सी कंट्रोल दे ट्रांजिशन एनिमेशन, इसको हम दे देते हैं वाइप, ठीक है, और ये वाइप करेगा लेफ्ट से,
और ये जो है हमारा आफ्टर प्रीवियस, और ये जो ये है वाला शेप इसको हम दे देंगे फेड, ठीक है, ये फेड, और ये ऑन क्लिक आगे विद प्रीवियस उसके साथ ही चले। देन ये इस पे भी हम दे देंगे वाइप, मगर ये वाइप होगा राइट साइड से, ठीक है, और आफ्टर प्रीवियस ये विद प्रीवियस उसी के साथ ही चलेगा, और ये होगा आफ्टर प्रीवियस। तो इसको दिखा देता हूँ मैं एनिमेशन किस तरह हमारी ये हुई है इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे ये पहले आ गया था, तो हम ये देखते हैं कि पहले क्यों आया है। ये आएगा रेक्टेंगल वन, रेक्टेंगल वन यहाँ पे इस तरह से, बस दो, और उसके बाद फिर मैं सब पे नहीं करना, ये बैकग्राउंड सब पे लग गया इस तरह से। ऐसे आपको दोबारा दिखा देता हूँ आपको मैं, यस। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ी सी आइकॉन्स की जो हमने बनाए हैं इनकी शेपिंग करेंगे, इनको अपनी जगह पे प्लेस करेंगे जहाँ पे मैं चाहता हूँ। जैसे ये नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, आइकन्स को मैंने प्लेस कर दिया अपनी जगह पे। अब इस पे हमने जो है वो बनाना है एक सर्कल सेंटर में, कंट्रोल शिफ्ट करके, और ये सर्कल आप ड्रॉ कर दें और इसको यहाँ पे आप सेंटर में रख दें। इसको मजीद हम बड़ा कर देते हैं उस बल्ब के हिसाब से ऐसे करके, और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एरो से ताकि परफेक्टली अपनी जगह पे बैठ जाए, और नो आउटलाइन इसकी, इसको हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंस क्योंकि इसमें से हमने फिल भी हटा देना है, तो नो फिल, और आउटलाइन हम कर देते हैं फिलहाल इसको इसके लाइट ये वाली। अब हमने जो है वो इसके वो देनी है लाइनिंग, और ये लाइनिंग हम देंगे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनको हमने करना है अनग्रुप, क्योंकि इस पे हमने एक और काम करना है, फिर बाद में वो हमें तंग करेगा। तो ये अब सब सारे अनग्रुप हो गए। अब मैं दिखा देता हूँ कि मैंने अनग्रुप क्यों किया है, क्योंकि मुझे इनको रोटेट करना है ताकि मेरे लाइंस जो है वो इक्वल बन जाए, ठीक है। ये स्टिल इसके साथ रोटेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, आई थिंक ये स्टिल ग्रुप है, इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ। ये सी अनग्रुप है, ओके, नाउ ये अनग्रुप हो गया, इसको मैं मूव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये ग्रुप है या नहीं है, ये ग्रुप नहीं है, ये एक रह गया था। अपने आइकन्स के साथ मैच, अब इनको सबको सिलेक्ट करके हमने पॉइंट देना है इसमें बिगिन राउंड एंड राउंड, और यहाँ से इस पे हमने जो है वो थोड़ा सा वेट भी देना है, ठीक है, और इसको कर देना है हमने डैशेस में ये, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला, और इसका कलर हम कर देते हैं एज इट इज, जैसे शेप फिल में नहीं आउटलाइन में, थिंक ये वाला बेहतर है। इन सब को मैं यही देता हूँ,
ये रह गया है आई थिंक, सारे हमारे जो है वो शेप आउटलाइन भी लग गई है सब पे और ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब नेक्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, इन सबको करना है सिलेक्ट, ठीक है, मेक श्योर के सारे आपके पास सिलेक्शन में हो, वरना कोई भी रह गया तो मजा नहीं आएगा। कंट्रोल जी करें सबको और इसको देनी है हमें एनिमेशन, वो भी शेप की इस तरह से। अभी देखें मैंने दो चीजें नोट की हैं कि दो रह गए, कंट्रोल जेड करूंगा एनिमेशन हटा दूंगा, इसको कंट्रोल ऑल करता हूं मैं और इनको मैं सिलेक्शन नहीं करता, बाकी चीजें मुझे चाहिए, ठीक है, और ये कंट्रोल जी। अब हो गया सब सिलेक्शन में, अब शेप यस, और यहाँ से आउट इस तरह से परफेक्ट। इसको कर देते हैं आफ्टर प्रीवियस, तो यहाँ तक जो ये कंप्लीट है। अब हमने इसमें जो है वो एक और राउंड जो है यहाँ से निकालना है, ये सेम इसी साइज का कंट्रोल डी करके ऐसे, और मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ऑप्स कंट्रोल जेड, ठीक है, इसको यहीं पे रख देता हूँ। और इस पे हम करेंगे थोड़ा सा एनिमेशन का पार्ट, तो एनिमेशन का पार्ट क्या होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ, सिर्फ हम इसको जो है इस पे करेंगे हम ये एनिमेशन का पार्ट। और ये जो है मेरे ख्याल से ग्रुप था तो इस वजह से नहीं निकल रहा, तो इसमें अनग्रुप कर देता हूँ, चलिए इससे फ्री नहीं हुआ, ग्रुप का पार्ट ही है तो मैं कर देता हूँ अनग्रुप, ठीक है, और ये मुझे चाहिए, इसको मैं रख देता हूँ। अब मुझे मैंने पहले निकालना था मगर मैं जल्दी जल्दी में मैंने कर दिया, दोबारा मैं कर लेता हूँ इसको, वही जो ट्रांजिशन हमने जो दी थी एनिमेशन वही, इनको हटा के इन सब पे कर देता हूँ कंट्रोल जी और शेप और ये आउट इस तरह से, ठीक है। अब ये मुझे चाहिए था, इस पे हम काम करेंगे, इसको हमने एड एनिमेशन देनी है ग्रो एंड श्रिंक की, प्रीवियस और ये वन, ठीक है, ओके। सो इस पे क्या है, क्लिक है तो प्रीवियस कर देते हैं, ऑन क्लिक तो हमने रखना नहीं है। देन एक और एड एनिमेशन करनी है, वो करनी है फेड की इस तरह से, यस, और ये भी आफ्टर प्रीवियस होगा और ये वन, इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और इफेक्ट ऑप्शन में जाके टाइमिंग में अंटिल दी एंड, ताकि ये चलता रहे जब तक स्लाइड जो है आपकी ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह बना है, ठीक है, ये इस तरह चलता रहेगा जब तक आपकी स्लाइड जो है वो एंड नहीं करते आप, इसका ये इफेक्ट है। अब इसको कंट्रोल डी करते हैं और प्लेस करते हैं अपने इन प्यारों के ऊपर इस तरह से, कंट्रोल डी। प्लेस हो गए, नाउ इसका बनाना है बड़ा वाला और ये आएगा इसके ऊपर, ताकि इस पे भी ट्रांजिशन हम लगा सके, एनिमेशन लगा सकते जो हम सब पे लगा रहे हैं। ये थोड़ा सा ये एडजस्ट होगा इस तरह से, परफेक्ट, ओके। सो इसका हम फाइनल व्यू देखते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आ रहा है। अगर इन सब को पहले हमने कर देना है विद प्रीवियस, ताकि सारे इस मेन बीच वाले के साथ एक एक, एक साथ चले विद प्रीवियस,
प्रीवियस। चलते हैं प्रीव्यू में, फर्स्ट सेकंड। अब जैसे ही बीच वाला स्टार्ट हो गया, उसके साथ साइड वाले भी स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट अब हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, कंप्लीट कर दिया हमने। अब सेकंड पार्ट है जूम वाला। जूम वाला पार्ट इतना लेंथी नहीं है, इसमें बहुत बारीकियां थी तो जब भी बहुत टाइम लग गया। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हमने करना क्या है, हमने जूम करना है। जूम किसको करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इंसर्ट में जाना है। यहाँ पे ये जूम ऑप्शन है, यहाँ पे स्लाइड जूम, जितनी भी स्लाइड्स हैं इन पर हमने जूम करना है। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट कर दें, और इनको आपने कम कर देनी हाइट इस तरह से, और आपने सीरीज वाइज रखना है इनको। फर्स्ट हमारा ये बल्ब है, थोड़ी सी इसकी डायरेक्ट भी रख सकता था, मगर इस पे एक ट्रिक है, मैं आपको सिखा देता हूँ वो भी किस तरह करना है। आपको फुल स्लाइड शो करें, अब क्लिक करें, देखें उसी स्लाइड पे चली गई जिसको हमने रखा था। इसी तरह आपकी सारी स्लाइड्स होंगी, मगर ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए हम करते क्या है, हमने एक रेक्टेंगल लेना है इस तरह से, इसको हमने नो आउटलाइन, इसका शेप फिल में ये कलर ब्लैक, देन इसको फॉर्मेट शेप, देन ट्रांसपेरेंसी फुल, और इसको कर देना है आपने सेव पिक्चर, और इसका पिक्चर टू नाम दे देते हैं, और ये डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, और इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब हमने जाना है यहाँ से जो है जूम में, जूम में इन सबको हमने करना है रिटर्न टू जूम। वन बाय वन सबको करना है। इसमें आप ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं जूम के ऑप्शन के, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ये, और आपने देखा था कि मैंने वो पिक्चर जो बनाई है जूम में जाके चेंज इमेज, यहाँ से फ्रॉम फाइल जो पिक्चर टू थी, कहाँ गई पिक्चर टू, ये रही पिक्चर टू, इंसर्ट करते हैं। जैसे इंसर्ट करेंगे वो पहली वाली पिक्चर हमारी गायब हो जाएगी, यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। इसको आप जूम बॉर्डर में नो आउटलाइन करते हैं, आउटलाइन भी खत्म हो जाएगी। सो वन बाय वन हम यही कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इसका व्यू किस तरह आ रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये ट्रांजिशन आपको पसंद आएगी। तो अब मैं दिखा देता हूँ स्लाइड शो। सो ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। अब ये अनटिल दी एंड ये चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। आप कितना, जब तक आप मूव नहीं करेंगे ये चलते रहेंगे। हमने इनको अनटिल दी एंड स्लाइड पे रखा है, ठीक है। अब हम, मैं आपको चेक करवाता हूँ जूम ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। देन यहाँ आ जाए आप, ठीक है। मैंने 1 मिनट का रख, 1 सेकंड का रखा है, ऑटोमेटिकली वापस आ रहा है। देन आप यहाँ आ जाए, ये ऑलरेडी वीडियोस मैंने पोस्ट किए हुए हैं, जस्ट मटेरियल के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जब तक ये स्लाइड पूरी नहीं होगी आप जूम में वापस नहीं जाएंगे अपने उसमें। मैंने एंड कर दिया, देन हम इस पे जाते हैं। अगर ये आपने वीडियोस देखना है मैं आपको सिखा सकता हूँ। ये अब तक इसका वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया, जस्ट मैंने बना के रखे हैं टेम्पलेट्स, और ये ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है मेरे जो है वो 17 ट्यूटोरियल यही है, आप देख सकते हैं इसको। देन लास्ट इसको चेक कर लेते हैं।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे, इसको लाइक करें एंड शेयर करें, एंड जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको सिखाऊँ पावर पॉइंट के रिलेटेड। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।